बाहर एक पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम वी पैड का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया था, जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे टीचर भी पार्टिसिपेट करेंगे और इनके लिए ट्रेनिंग भी, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी रखी है। लेकिन अभी जो कि टाइम बहुत कम है, हमने उस पार्ट को अभी स्किप करके जनरल ट्रेनिंग्स करवाए हैं। जितने भी हमारी फीमेल टीचर्स हैं, मेल टीचर्स हैं, उनके लिए जनरल ट्रेनिंग का प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन अभी इनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स में भी मिली। स्वीप का और एक खास कंपोनेंट है, वो है अवेयरनेस, मास अवेयरनेस। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे एज नोडल ऑफिसर स्वीप चुना गया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी 1/25 की तरफ से, जिसकी बुनियाद पर हमें आज एक मेगा इवेंट करना था स्वीप के बारे में। हमने वो पंपोज कॉलोनी ग्राउंड में किया। हमारा मेन मकसद यही था कि जो वोटिंग परसेंटेज है हमारी, वो इंक्रीज हो जाए और आवाम को सैनिटाइज करें कि वो अपने वोटिंग के दिन घरों से बाहर निकल के वोट कास्ट करें। हमारे चीफ गेस्ट जो था, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर, तहसीलदार ईदगाह, और हमारी कोशिश यही रही कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन की, बहुत सारा ये जो हमारा प्रोग्राम था यही सक्सेसफुल रहा। आज से प्रोग्राम के जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है स्वीप ऑर्गेनाइज करने का, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था, तो 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ईदगाह की तरफ से हमने आज ये प्रोग्राम जो है पंपोज पॉली ग्राउंड पालपुरा में ऑर्गेनाइज किया। तो इसमें पार्टिसिपेशन रही जो लोकल पॉपुलेशन की, और इसके साथ हमने जो यूथ जो है उनको अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहा, और जो उनके वहाँ के लोकल आवाम जो वोट रही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उनका इसमें पार्टिसिपेशन रहा। और स्पेशली जो वुमेन फोक है जो हमेशा वोट कम वोट डालते हैं, तो वो उन्होंने भी अच्छे खासा इसमें पार्टिसिपेट किया।